the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again namaskar adar sat dosto kaise hain aap main hu, dr paramjeet aap dekh rahe doctor education to so, aaj hum baat karenge radiological tests ke baare mein ki एक्सरे कब करना चाहिए एम कब करना चाहिए सी स्कैन कब करना चाहिए When डू यू हैव टू चूज़ एंड कौन सा कब करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चूजिंग द करेक्ट रेडियोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना पड़ेगा अब ये चीज़ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ को ज़्यादा दिखाता है याद रखिए एक एक्सरे एक सीटी स्कैन या एक एम ये तीनों की तीनों टेस्ट जो हैं ये आपके अंदरूनी बॉडी हिस्से को देखने के लिए बनाए जाते हैं तो अब अंदरूनी बॉडी के हिस्से में बॉडी के अंदर बथेरी चीज़ें हैं बथेरी का मतलब है बहुत सारी बहुत सारी में हड्डियां हैं मांसपेशी हैं खून की नसें हैं इलेक्ट्रिकल नसें हैं और चर्बी है और क्या क्या नहीं है और टिश्यू टिश्यू हर एक लिवर किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर चीज को देखने के लिए जो चीज होती है जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है जहां अगर बात करें आ, कि किस प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको आपके डायग्नोसिस तक ले जाएगा बात तो यही है एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक पेशेंट आया एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है और डॉक्टर का उद्देश्य है कि भी इसकी बीमारी क्या है मुझे पता चल जाए उस पता करने के लिए अगर मुझे किसी जांच की जरूरत है तो वो मैं जांच करा लू वो मिनिमम मिनिमम लेवल पे हो जितनी भी जरूरी है यानी कि एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई सब करो सब कर लो जितना आता सब कर दो ऐसा तो नहीं होता कई जगह होता भी है कुछ लोग कर देते हैं डॉक्टर्स बट कुछ नहीं कर सकते बट द डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज एट दी हैंड ऑफ द डॉक्टर पेशेंट के लिए भी नॉलेज थोड़ी सी जरूरी है क्योंकि वो ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो लूटा जाए राइट दैट्स द थिंग इसीलिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना है कि एक्सरे से क्या दिखता है सी स्कैन से क्या दिखता है और एम से क्या दिखता है अगर आपको इतना समझ गया तो आपको ये समझ जाएगा कि कौन सी चीज काहे के लिए करनी है तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरे की एक्सरे जो होता है एक्सरे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्सरेज जो होते हैं वो कैल्सिफाइड टिश्यू को दिखाएंगे यानी कि आपकी हड्डियों को दिखाएंगे और जहां जहां कैल्शियम भरा हुआ है वो उसको दिखेगा वो उतना ज़्यादा डार्क यानी कि वाइट दिखेगा जहां जहां हवा है वो वो काला दिखेगा जहां जहां कैल्शियम भरा है वो दिखेगा वाइट वाइट इसीलिए आपके जब हड्डियों को देखना होता है जब हड्डी टूटती है तो सबसे पहले किया जाता है एक्सरे सिंपल प्लेन सिंपल एक्सरे प्लेन एक्सरे के बाद ये मेन इंपॉर्टेंट समझो हड्डी टूटी तो उसमें एक्सरे का काम राइट सो एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू नहीं दिखते या बहुत ही कम दिखते हैं, ना के बराबर दिखते ब्रेस्ट के लिए एक्सरे किया जाता है मेमोग्राफी में वो किया जाता है क्योंकि ब्रेस्ट एक बाहर बाहर टिश्यू है और उसके अंदर अगर कोई गांठ है तो वो कैल्सिफाइड गांठ दिख जाएगी कैल्शियम उसमें भी होगा तब दिखेगा लेकिन खून की नसें नहीं दिखेंगी खून की नशे तब दिखेंगी अगर खून सी खून की नशे स्कारिंग हो रही है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो दिखेंगी पर खून की नशे खुद ही बहुत छोटी होती है आपको पता भी नहीं चलेगा तो इतने एक्सरे खून की नशे देखने में काम नहीं आएगा वहां पर फिर हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में इन्हें एक्सरे का हायर वर्जन एक्सरे का हायर वर्जन होता है सिटी स्कैन सिटी स्कैन जो है वहां पर क्या होता है वहां पर हम एक्सियल एक्सरेज ले सकते हैं बहुत सारे एक्सरेज और छोटे छोटे डिस्टेंस पे और एक पर्टिकुलर पूरे ऑर्गन को स्टडी कर सकते हैं ना यहाँ पर क्या डिफरेंस है सिटी स्कैन में क्योंकि एक्सरे में भी इमेज दिखती है थोड़ा सा शेडो दिखता है सिटी स्कैन में वो शेडो और ज़्यादा एनहांस्ड दिखता है अब हमें शेडोज बहुत अच्छे से दिख रहे हैं यानी कि ग्रे स्केल दिख रहा है यानी जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहां ज़्यादा पानी है जहाँ कम पानी है वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है जो हड्डी है वो एकदम वाइट दिख रही है तो हमें इससे स्केलिंग में पता चल सकता है कि ये एक टिश्यू है मान लीजिए एक लीवर है लीवर के अंदर थोड़ा थोड़ा हर सेल में ब्लड है पानी है तो एक जरीके का लीवर दिखने लग गया तो हमें लिवर का एक शेड दिखेगा ग्रे स्केल उसके बगल में इंटेस्टाइन है तो उसका अलग शेड है उसके बगल में जो खून की नशें बह रही हैं ओटा और, और सुपीरियर बिना कहवा वहां इंफीरियर बिना कहवा उसकी अलग शेडिंग दिख रही है तो हमें शेड वाइज दिख जाएगा स्ट्रक्चरस तो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करने के लिए सीटी स्कैन भी काम आ सकता है लेकिन एक्सरे नहीं एक्सरे में हमें ये नहीं दिखता जो हमें एक्सरे में मोटा मोटा दिखेगा एक्सरे इज़ द मोस्ट बेसिक स्क्रीनिंग टूल फॉर द ऑर्गन्स राइट right. हड्डियों के लिए एक्सरे बहुत ज़रूरी है हड्डी टूटी है हड्डी टेढ़ी है हड्डी सीधी है कि जुड़ी है उसके लिए एक्सरे इसी के अलावा मान लीजिए पैरानेजल साइनसिस हैं कान है दांत है उन सब में एक्सरे काम आता है राइट सो एक्सरे इज़ वन बेसिक टेस्ट उससे ज़्यादा एडवांस्ड हो गया हमारा सिटी स्कैन सीटी स्कैन में हम थ्री इमेज भी बना सकते हैं सिटी स्कैन या एक्सरे को अंदर हम कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट क्या होता है अगर हमें कोई एक जैसे पेट देखना है पेट देखना है तो पेट में हम क्या करें कुछ खिला दें एक ऐसा मटेरियल खिला दें जो कंट्रास्ट हो जो एक्सरे के इसमें एकदम से अलग से इमेज बनाए एक एक गाड़ी चीज दिखा दे एक शेड अलग ले लें तो वो शेड अलग लेके पेट की पूरी स्टडी की जा सकती है तो बेरियम एनिमा बेरियम मील बेरियम सोलो बेरियम नाम का एनिम वो देखे आपका एक्सरे करेंगे तो पेट पूरा दिख जाएगा पेट के अंदर कहीं गांठ तो नहीं है कहीं कुछ दबा हुआ तो नहीं है सांस खाने की नली दबी तो नहीं है एक्सरे में दिख जाएगा यही चीज़ फिर सीटी स्कैन में देखो मोटे मोटी चीज़ों के लिए एक्सरे है यानी हड्डी के लिए इसके लिए महीन चीज़ों के लिए यानी भाई आपकी खून की नसें सही चल रही है कि नहीं चल रही उसमें सीटी स्कैन कर सकते हैं कैसे सिटी स्कैन में वैसे खून की नसें नहीं दिखती ज़्यादा प्रॉपर से नहीं दिखती लेकिन अगर डाई डाल दें उस खून की नसों में कोई कलरिंग एजेंट डाल दें ऐसा जो आपकी सिस्टम को डैमेज भी ना करे नुकसान भी ना करे आपके पेशाब से निकल जाए पानी से ही तो वो अच्छा है तो ऐसे सेफ चीज़ें डाल देते हैं कुछ लोगों में फिर भी साइड इफेक्ट होने के चांसेज होते हैं डाई से लेकिन फिर भी इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट अ डाई जो डाल के हम खून की नसों का एक्सरे मल्टीपल एक्सरे लेके पूरा का पाथवे देख सकते हैं सीटी एंजियोग्राफी होती है ब्रेन की लंग्स की हार्ट की पैरों की कहीं की भी तो सीटी एंजियोग्राफी में खून की नशें देखते हैं मगर सी स्कैन में फिर भी हम नर्व्स को नहीं देख सकते इलेक्ट्रिकल नर्व्स को नहीं देख सकते इलेक्ट्रिकल नर्व्स को देखने के लिए या सॉफ्ट टिश्यू मसल को देखने के लिए सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए आपको एम कराना पड़ेगा एम आर आई इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसके बारे में हमारा अलग से डिटेल वीडियो भी है हर एक के बारे में एक्सरे एम आर आई सी टी स्कैन सबके लिए पेट स्कैन के पूर्व आएगा सो पॉइंट इज एम आर आई विल शो यू सॉफ्ट टिश्यू अब सॉफ्ट टिश्यू जो होता है इन्हें आपका मसल uh, आप मसल में टीयर है कि नहीं एमआरआई बताएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन ब्रेन के टिश्यू को देखना है एमआरआई दिखाएगा फिर बोलोगे कि सर ब्रेन में तो सीटी स्कैन भी करते हैं सीटी स्कैन करते हैं ब्लड देखने के लिए अगर मान लो ब्रेन में चोट लगी ब्लीडिंग हो गई तो सीटी स्कैन में ब्लीडिंग दिख जाएगी तो ब्लीडिंग तुरंत दिख जाएगी सिन में एम आर क्यों नहीं करते हैं? उस समय तुरंत एम कर सकते हैं तुरंत कर सकते हैं लेकिन एम से क्या दिखेगा ब्लीडिंग भी दिखेगी क्लॉट भी दिखेगा दोनों दिखेंगे और ब्रेन में कहीं इंजरी हो रही है वो भी दिखेगा पर सीटी स्कैन में भी अगर ब्रेन में इंजरी हो रही है थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख सकता है लेकिन सीटी स्कैन इज़ द थोड़ा सस्ता है एम आर आई से एम आर आई भाई सिटी स्कैन हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार सिटी स्कैन पाँच दस हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार बारह हज़ार पंद्रह हज़ार डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं प्लेन है कि क्या है राइट right. सो so, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट भी होते हैं इसके सो so, एम जो है वो अगर पीठ की बात करें या नसों की बात करें गर्दन की बात करें न, इलेक्ट्रिकल नर्व्स की बात करें ये कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नर्व दबी है नस खराब है तो या कोई न्यूरोनल पाथवे खराब है या ब्रेन में प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम है घुटने के या जॉइंट के लिगामेंट में प्रॉब्लम है हड्डी में नहीं हड्डी के आसपास जो जॉइंट के लिए लिगामेंट्स होते हैं जो फाइब्रस टिश्यू होता है जॉइंट के बीच में प्रॉब्लम है तो उन महीन सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए हमें एम करके देखना पड़ेगा सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए फिर हम एम आर आई करते हैं कि घुटने की लिगामेंट तो नहीं टूट गए अंदर मिनिस्कस तो नहीं टूट गए जो हड्डी के ऊपर जो लगे होते हैं वो तो नहीं खराब हो गए वो एम से पता चलेगा सो so, हर एक चीज़ अलग चीज़ को दिखाती है तो आपके डॉक्टर को आपकी बीमारी देख के ये देखना होता है कि मेरे को एक्सरे से दिखेगा सीटी स्कैन से दिखेगा कि एम से दिखेगा याद रखिए एम सॉफ़्ट टिश्यू के लिए है हा एक्स बोनी टिश्यू के लिए हड्डियों के लिए है और सी स्कैन जो है वो फिर अंदर के हर एक चीज़ के लिए देखा जा सकता है सो so, ये तीन बेसिक अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ जाएगा कि एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन में से आपको कौन सा कराना है और कब कराना है आई होप दिस क्लियर योर डाउट प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट सबको सबका डाउट क्लियर हो जाए और सबके सब जो है लुटे ना जाए थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्थ डॉक्टर परमची